गुना जिले के चाचौड़ा के विधायक लक्ष्मण सिंह ने ग्रामीणों को कृषि एवं पशुपालन सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए किसानों के साथ बैठक रखी। सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बोलती ज्यादा है, कान बंद रखती है, जनता की आवाज नहीं सुनती। फसल बीमा में जो किसान रह गए हैं उनको फसल बीमा से जोड़ने एवं अतिवृष्टि से जो फसल खराब हुई है उनको मुआवजा दिलाने के लिए मैं सरकार की ईंट से ईंट बजा दूंगा। और पशुपालन इसको बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी क्या है इन्हें किसानों को नहीं देते हैं। किसानों को जानकारी प्रदेश में इस समय बहुत सारे किसान फसल बीमा से वंचित रह रहे हैं, तो उसके लिए मतलब क्या प्रयास कांग्रेस की ओर से रहेंगे कि मुख्य धारा में किसान ना छूट। कोई दो दिन के लिए लाइन खोली थी इन्होंने, इसके बाद ऑटोमेटिक लाइन बंद हो गई। आपने मेरा कल का ट्वीट देखा होगा, सरकार कान बंद करती है और मुंह चलाती है और कान बंद रखती है। तो सरकार जरा कान खोले, कान साफ करे और जनता की आवाज सुने। ये जो जो यहाँ ऊपर कहते हैं नीचे कुछ नहीं दिखता। योजना सब बनी है, मुआवजे का कहा है, ये कहा है, वो कहा है, मिल जाएगा मुझे इसमें शंका है। मैं तो लड़ूंगा मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए, तो मैं बिल्कुल चेंज बजा दूंगा, मुआवजा जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिला सकता हूँ दिलवाऊंगा। लेकिन अभी बातें ज़्यादा हो रही है, काम कम हो रहा है।